हेलो एवरीवन, सो करेंटली मार्केट आपको एक साथ एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे तीन आईपीओज में इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है और ये तीनों ही आईपीओज की जीएमपी 20% से ज़्यादा चल रही है। आरके स्वामी जिसका आईपीओ कल से खुल चुका है, जेजी केमिकल्स जो आज से खुल गया है और गोपाल स्नैक लिमिटेड जो कि कल से खुलने जा रहा है। इसलिए चलिए एक एक करके इन तीनों आईपीओज पर फटाफट नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले है आरके स्वामी लिमिटेड जो कि कल से खुल चुका है, यानी इसकी आईपीओ डेट है 4 से 6 मार्च। ये टोटल 423 करोड़ का आईपीओ है जिसमें 173 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 250 करोड़ का ओएफएस। इसका प्राइस बैंड 270 टू 288 रुपीस है। आरके स्वामी लिमिटेड मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये फुल सर्विस मार्केट रिसर्च, सिंडिकेटेड स्टडीज, कंज्यूमर डेटा एनालिसिस और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में इन्वॉल्व है और पिछले 50 सालों से ही क्लाइंट्स को सर्व कर रहे हैं और 15 सालों का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है डेटा एनालिटिक्स एंड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी सेगमेंट में। कंपनी लीडर है मार्केट रिसर्च में और डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है, साथ ही इस्टेब्लिश्ड इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुछ कंसर्न्स भी हैं जैसे कुछ की इंडस्ट्रीज पर हाई डिपेंडेंसी, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मॉडल एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजीज। खैर, कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस अच्छी रही है और रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही एक कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही आईपीओ के वैल्यूएशन की बात करें तो ये 41 के पी पर आ रहा है जो कि फेयरली वैल्यू नज़र आ रहा है और कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ और पॉजिटिव इंडस्ट्री आउटलुक भी इनकरेजिंग लग रहे हैं। एंड एज इट्स डे टू ऑफ दिस आईपीओ, ये ऑलरेडी 4 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। ओके, सेकेंड आईपीओ जो कि आज ही से खुल रहा है वो है जेजी केमिकल्स। ये 251 करोड़ का आईपीओ है जिसमें 165 करोड़ का फ्रेश इश्यू और 86 करोड़ का ओएफएस है। इसका प्राइस बैंड 210 to 221 है। जेजी केमिकल्स फ्रेंच मेथड यूटिलाइज करके जिंक ऑक्साइड प्रोड्यूस करती है और ये जिंक ऑक्साइड के 80 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रेड प्रोड्यूस करती है जिसका यूज़ कई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में होता है, जैसे ल्यूब्रिकेंट, स्पेशलाइज केमिकल, एग्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक एंड बैटरीज, पेंट एंड कोटिंग, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स एंड एनिमल फीड। कंपनी की लीडिंग मार्केटिंग पोजीशन है विथ डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, हाई एंट्री बैरियर है, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी पर फोकस और कस्टमर और सप्लायर्स के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रही है, रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों में ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। कुछ कंसर्न्स भी हैं जैसे प्रिंसिपल प्रोडक्ट जिंक ऑक्साइड पर पूरी डिपेंडेंसी, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री और रबर और टायर इंडस्ट्री पर ही मेजर डिपेंडेंसी। खैर, वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी है, ये 12.75 के पी पर आईपीओ आ रहा है। ओके, सो फाइनली लास्ट आईपीओ है गोपाल नमकीन जो कि कल यानी 6 मार्च से 11 मार्च के लिए खुलेगा। ये 650 करोड़ का पूरा ओएफएस है जिसका प्राइस बैंड 381 to 401 रुपीज़ है। गोपाल स्नैक्स लिमिटेड एक एफएमसीजी कंपनी है जो स्नैक गुड इंक्लूडिंग वेफर्स, नूडल्स, रस्क, सोन पपड़ी, नमकीन और गाठिया जैसे प्रोडक्ट सेल करती है। कंपनी के टोटल 276 एसक्यूज हैं विद 84 प्रोडक्ट फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब काफ़ी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इसका। साथ ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी हैं, वर्टिकली इंटीग्रेटेड एडवांस बिजनेस ऑपरेशन है और एक्सपीरियंस प्रमोटर और मैनेजमेंट टीम है। कुछ रिस्क हैं जैसे मार्केट में कंपटीशन बहुत है और इनकी सेल सिर्फ गुजरात में कंसंट्रेटेड है। इन्हें फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट की तरफ से 8 लीगल नोटिस भी मिल चुके हैं और यही कुछ रिस्क हैं। खैर, फाइनेंशियली कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है और वैल्यूएशन भी इसका सही नज़र आ रहा है, 44 के पी पर ये आईपीओ आ रहा है। ओके, सो यस, 3 IPOs, 3 अपॉर्चुनिटीज़ एंड एज वी डिस्कस, तीनों ही आईपीओस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, वैल्यूएशन भी सही है। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इनमें अप्लाई करने पर विचार किया जा सकता है। Thank you. The content provided in the video is for informational and educational purposes only. It does not constitute or imply a recommendation to engage in any securities transactions or investment strategies. We do not provide personalized advice or determine suitability for individuals' financial needs. Please conduct your own analysis and consider your personal circumstances before making any investment decisions.